देखिए कितना अच्छा एलोवेरा का हलवा बनके तैयार हुआ है। ये सर्दियों के मौसम में जरूर बना के खाइए। नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज एलोवेरा का हलवा बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एलोवेरा का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है 1/4 कप एलोवेरा। इसे मैंने पल्प निकाल लिया और मिक्सी में पीस लिया था, पानी नहीं डाला। 1/4 कप गेहूँ का आटा, 1/4 कप घी और 1/4 कप चीनी लिए। अब सबसे पहले हम पैन में आटा डाल देंगे और गैस चालू कर देंगे। घी डाल देंगे और एलोवेरा पल्प डाल देंगे और इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए सेकना है। गैस मीडियम रखनी है और इसे ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये अभी आधा सिका है, अभी और सेकेंगे, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये इस तरह से ब्राउन कर ले, जितना लाइट डार्क चाहिए आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और इसमें पानी डालेंगे, तो जब भी कोई भी हलवा बनाए तो उसमें थोड़ा गर्म पानी ही डाले, तो मैंने आधा कप पानी लिया है, इसे डाल देंगे और गैस फुल कर देंगे। अब इसे गाढ़ा होने देंगे। एलोवेरा सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, तो इसे सर्दियों के मौसम में ज़रूर थोड़ा सा खाइए। ये गाढ़ा हो गया है, अब इसमें चीनी डाल देंगे। आप चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हो, मैंने चीनी डाली। अब चीनी को हम गलने देंगे। गैस सिम कर दी मैंने और चीनी गलने तक हम इसे पकाएंगे और चलाते रहेंगे। चीनी इसमें गल गई है, अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। 2 इलायची का पाउडर है, 1/2 चम्मच बादाम और 1/2 चम्मच पिस्ता और गैस बंद कर देंगे। अब इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें पिस्ता और बादाम की गार्निश कर देंगे। थोड़े से पिस्ता बादाम लेंगे और थोड़े से पिस्ता। ये हमारा एलोवेरा का हलवा बनके तैयार हो गया है। अब इसे आप सर्दियों के मौसम में बनाइए, खाइए और इसका आनंद उठाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।